Thank you. Thank you. Amazing, beautiful. Can't believe. Wait. हम यहाँ कहाँ आ गए एंड ये क्या हो रहा है? तो शुरू करते हैं जहाँ पे लास्ट एपिसोड को छोड़ा था. हम जर्मट से आ गए थे स्टात एंड यहाँ हम होटल एल्पहॉर्न में रुके थे. इस होटल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. यहाँ मॉर्निंग में सुबह उठकर हमने ब्रेकफास्ट किया एंड देन फिर सीनिक ब्यूटीफुल स्विस रोड से होते हुए आ गए विलेज चटाउ द ऑक्स. एंड यहाँ पर हम आए हैं एनुअल हॉट एयर बलून फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए एंड इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलती रहेगी. सो नाउ लेट्स गो. That is so beautiful. Mic lagaya, vaise. Just look at this mountain. What a view. And sir, humko wahan jana hai. Hamare paas is already ready hai. To ye jo hai, ye bhi hum collaboration ke saath kar rahe hain. This happens only once. Main puri information dungi. Vaise this happens only once a year for 2 weeks. एक्चुअली वहाँ पहुँचे थे जहाँ हमने माइक नहीं लगाया था और उसके बाद वहाँ पार्किंग 30 मिनट्स का ही था और वो ऑफिस खुला ही नहीं था तो अब जाके इधर पार्क कर दिया है. यहाँ पर कूप का पार्किंग है, काफ़ी बड़ा पार्किंग है. बट दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल. हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं उधर ना. पूरे वाइट माउंटेन्स है. पार्किंग के लिए आपको चाहिए? ये तो अमेजिंग. सी और पार्किंग के लिए सॉरी बता रहा था. पार्किंग के लिए आपको चाहिए फ्रैंक कॉइंस. तो फिर हमने क्या किया, यहीं पे कूप से फिर सामान लिया यूरोस देके और चेंज में ले लिए फ्रैंक. बहुत ही गंदी डील थी बट कोई चॉइस ही नहीं था. अब नाउ वी आर गोइंग टू द ऑफिस. लेट्स वॉक. वी गॉट आवर पासेस एंड दीज आर आवर पासेस. प्रेस के पास मिले हमें क्योंकि हम ये इवेंट कवर करने आए हैं. फ्रॉम नेदरलैंड्स टू स्विट्जरलैंड. सो इट्स रिटन प्रेस एंड इट्स रिटन our channel name desi couple on the go and desi couple is on the go. actually desi couple is running kyunki hum aaye to bahut jaldi the. hum aa gaye the 8 o'clock pe half an hour pehle but fir parking nahi mila, fir parking nahi gaya, fir jaise bataya aapko aur tab office hi nahi khula tha to humne socha tha pehle ye le lenge fir park karenge but office 8:30 pe khula. but now we are towards our destination. matlab pass hi walk hai. i think 800 meters something ka walk hai. so we walk but look at this place, so beautiful. so finally jagah mil gayi hai aur bola hai abhi yahan khade raho kyunki itna bheed hai, thoda chaos ho raha hai. but the balloons are all light up aur pura snow mein aise pura gira hua hai. that is for the first time we are going to have some all colorful balloons and sky to abhi bhi cloudy hai. thoda thoda clouds ja rahe hai, like is taraf to sun aa raha hai us taraf but idhar to abhi bhi full cloud hai. we are here and the parachutes sab niche aise aa gaye. snow ke white ke upar colorful balloons ready ho rahe hain. inflate honge kuch der mein abhi aur sun rise to ho chuka hai magar we are keeping our hope alive ki ye pura jo badal dikh rahe hain aapko piche wo chale jaye, chale jayenge and then we can enjoy the balloon ride. kafi bheed hai waise. ha dekho sir demo bhi chal raha hai piche. ये फेस्टिवल इस रीजन का टूरिस्ट बोर्ड हर साल ऑर्गेनाइज करता है. यूजुअली लास्ट वीक ऑफ जनवरी में 9 डेज तक ये इवेंट चलता है. इस फेस्टिवल में अलग अलग कंट्रीज से बलून कंपनीज आती है. पैसेंजर फ्लाइट्स के साथ साथ यहाँ कई अलग अलग शेप्स के बलून्स भी फ्लाई होते हैं. सो फाइनली ये बलून्स तो इन्फ्लेट हुए बट देयर इज अ वेरी फनी बलून विद ऑफ अ प्लेन शेप दैट इज इन्फ्लेटेड एंड इट्स गोइंग अप.
पता नहीं आवाज कितनी आ रही है, माई आई डोंट नो वेदर माई वॉइस इज ऑडिबल, बट द बलून्स आर इन्फ्लेटेड एंड इट्स बिकमिंग बिग एंड बिग एंड बिग, बड़े ही होते जा रहे हैं टू बलून्स. So, एक चला गया ऊपर. So, almost 10 o'clock पे एक balloon is gone up and the second one is about to go. Beautiful sun. Yeah, and the sun is shining. और सबसे सबसे मज़ेदार बात आती हूँ, पूरे जगह हम अंदर हैं क्योंकि हमें प्रेस का एंट्रेंस मिला हुआ है, बट बहुत भीड़ है चारों तरफ, देख सकते हैं हियर हियर, वो चर्च देख रहे हैं टॉप पे, वो चर्च के ऊपर भी क्राउड है, उस तरफ पूरा जो ग्राउंड है उस तरफ भी क्राउड है. बट द बेस्ट पार्ट जो लग रहा है ना वो है यहाँ पे स्नो है, वाइट स्नो पे कलरफुल बलून्स इज मेकिंग इट मैजिकल. अचानक से हमारा नंबर आ गया, so we just ran and came up. And it's going to be flying soon. Flying soon. See, we're out of time. I guess no one's to blame. Nobody crossed the line. I guess we couldn't see. Somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast. Maybe we got too high. But I. Up in the air. Up in the air, surrounded by Alps Mountain. Beautiful it's looking. Beautiful. I hope आवाज आ रही हो. हम लोगों का ये third time hot air balloon में है. And hard body. First in Switzerland. First in Switzerland, hard body amazing लगता है. है ना, और top view देखना किसी भी country का is amazing. और वो भी balloon से तो और भी top. Yeah, I टाइम में लैंड होने का. और सबसे बेस्ट बात क्या था, ये प्राइवेट था, सिर्फ हम दोनों थे और दो पायलट. एंड ये इस अब ये एरिया दिख रहा है ना, यहाँ लैंड करेंगे. यस दैट्स इट. It's going. Okay, okay. Yeah, yeah, yeah. I can get up, I think, now. So we landed and I said, झटका जाते हुए और मेरा और मेरा हाथ तो टूटा हुआ है ना, but all fine. We are out. Thank you. Thank you. Oh, merci beaucoup. So, पूरा inflation जो भी था balloon का सब out है. And हम यहाँ land किए इस मिडो में. And you see the Alps here, the snow cap Alps.
दिस साइड द सन शाइनिंग, जो कि मॉर्निंग में नहीं था, एंड दैट साइड एज वेल, एंड देयर आर अदर बलून्स स्टिल फ्लाइंग, थ्री बलून्स यू कैन सी, एक उस तरफ है, दैट्स उधर वैली में दो बलून्स हैं. अमेजिंग फ्लाइट थी. हाँ. थोड़ा सा ऑफकोर्स मिडाउ में लैंड हुआ, तो प्लेन रोड नहीं, प्लेन जगह नहीं थी. जैसे बताया ही ऐसे 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 करते हुए थोड़ा झटका भी लगा, बट अमेजिंग अमेजिंग. और सबसे बेस्ट बात था जो बताया वो था ये प्राइवेट था. हम दोनों ही थे और दो पायलट थे. छोटी सी बास्केट थी और अच्छा बात ये कि मेरा गेट खुल गया. क्योंकि पहले हम डर रहे थे कि क्योंकि हाथ फ्रैक्चर्ड है ना मेरा, अभी पूरा तरीके से ठीक नहीं हुआ, तो आई कांट पुट प्रेशर, ऊपर से फ्रोजन शोल्डर है ये वाला, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम है. सो आई वॉज लाइक कैसे मैं ऐसे ऐसे करके आई विल क्लाइंब अप द बास्केट, बट उसका गेट था एंड आई वॉज लाइक ईजी हो गया. अमेजिंग. और स्विस एल्प्स की तो बात ही अलग है. आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट माउंटेन्स है. हिमालयस तो है ही, बट वन ऑफ द बेस्ट माउंटेन्स है. अभी हम लोग यहाँ एंजॉय करते हैं इस ग्रीन मेडाउ और एल्प्स माउंटेन के व्यू को. हमें लेने के लिए कोई गाड़ी या कोई बस या कुछ आएगा, देखते हैं क्या पता हेलीकॉप्टर आ जाए. You never know. You will be Duke and that's and the name comes from the place we landed, Rosinière. Aha. So thank you. Yeah, it is correct. Like, thank you so much. And thank you so much. Thank you. Okay, no, we'll back. Yeah. Thank you. So these are the certificates जो हमें मिले हैं और third certificate है हमारा. हम ये certificate के hang कर ले बिना मेहनत करे हमें certificate. But views के लिए तो, और हम लोगों ने land किया है Rosinière, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है area में, और pilot ने अपना नाम भी लिखा है. और the cutest thing is this. क्यूट चेन. वेदर इतना अच्छा हो गया था ना सुबह, तो हमने बिल्कुल सोचा था कि पता नहीं क्लाउडी है, होगा नहीं होगा, बट अभी तो आप देखो सन इज शाइनिंग एंड नो क्लाउड्स एट ऑल. और ना सारा हम इतनी बार बलून लेट किए, बट होता क्या उसके बाद ना नेक्स्ट ब्रेकफास्ट या कुछ प्लान रहता है कमर्शियल, क्योंकि ज़्यादा रहता है. और ये फैमिली ओन, और एज ए प्रेस किया था तो वो था कमर्शियल नहीं था, और ये फैमिली ओन वाले बलून में हम बैठे थे, तो पूरा उसका पैकिंग होते हुए पूरा वो कैसे बास्केट को खाली हो रहा है वो सब देखा. फुल पैकअप हो गया है, और ये देखो पैराशूट इधर पैकअप हो गया है, सिलेंडर खाली हो गया है, एंड कुछ तो फैमिली ओन है क्योंकि देखो दोनों बच्चे भी आ गए और बहुत मदद कर रहे हैं ये दोनों, सुपर हेल्पफुल. गेटिंग रेडी. और ये बास्केट के अंदर पूरा उन्होंने पैक पैक करने में और बास्केट को खाली करने में फुल हेल्प किया दोनों बच्चों ने. तो ये कुछ फैमिली ओन था ये वाला पैराशूट स्पेसिफिकली, एंड बाकी सारे बलून्स ये रहे. But now, already everything has been packed. So it's now time to go to that vehicle. उसके अंदर हम बैठेंगे, वैन है और पीछे उसका एक ट्रेलर टाइप लगा है, उसके अंदर जाएगा जो बलून था वो उसमें. Let's go. अगर आपको भी फ्लाई करना है तो आप एडवांस में हॉट एयर बलून फ्लाइट बुक करके इस मैजिकल एक्सपीरियंस को कर सकते हैं. बलून फ्लाई करने का प्राइस स्टार्ट होता है फ्रॉम 350 francs पर पर्सन. डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इस विलेज के टूरिस्ट ऑफिस का लिंक आपको मिल जाएगा. इसमें आपको 2025 में होने वाले बलून फेस्टिवल की भी फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. अगर आप बलून में फ्लाई नहीं करना चाहते हैं तो भी आराम से हिल्स पे बैठ के कलरफुल बलून्स को स्नो से फिल माउंटेन्स के बैकड्रॉप के साथ इंजॉय कर सकते हैं. हम जिस वीकेंड गए थे तब टेम्परेचर्स हाई हो गए थे, सो स्नो मेल्टेड, बट यूजुअली जनवरी में यू विल गेट स्नो. वैसे अगर आप इस फेस्टिवल के वक्त नहीं आ रहे हैं एंड स्टिल एल्प्स माउंटेन के बीच इस कलरफुल हॉट एयर बलून में फ्लाई करना चाहते हैं तो भी इस विलेज में टूरिस्ट ऑफिस स्पेशली वीकेंड्स पे बलून फ्लाई करते हैं, तो आप उसे बुक करके इंजॉय कर सकते हैं. और इतना ट्रैफिक जैम हो गया था वहाँ पर कि हम लोग फिर थोड़ी देर बाद पैदल चल कर ही आ गए. एंड अभी कार से फिर हम जहाँ था ये चटाउ द ओक्स लिख भी दिया, अभी हो सकता है इसका प्रोनंसिएशन गलत हो, बट फिर वहाँ से ही हमें दिखा पास में. हम लोग ना दोनों शाहरुख के बहुत बड़े फ़ैन हैं और DDLJ के फ़ैन तो हैं ही, बहुत सारे लोग होंगे क्योंकि सबको लगता होगा कि उनकी लव स्टोरी ना DDLJ जैसी है. तो अगर हम उसके हम जा रहे थे उसके शूटिंग लोकेशन के पास से, तो सोचा क्यों ना वही आ जाए. सो वी आर हियर. ये कौन सी जगह है? वेयर इट इज देयर. हम आ गए हैं
सानन जहाँ पे मोस्ट ऑफ द शूटिंग हुई है DDLJ की, एंड शाहरुख खान काजोल का पोस्टर भी है। ब्यूटीफुल एब्स माउंटेन। सो दिस इज व्हाट वी वर शोइंग, शाहरुख एंड काजोल, एंड हम हैं फेमस अमंग इंडियंस सानन विलेज में, और ब्यूटीफुल सा बैकड्रॉप है। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बट अगर आपको DDLJ की लोकेशंस देखनी है तो उसके लिए हम लोगों ने एक और वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर क्लिक करिएगा। वो समर टाइम में था, ये विंटर टाइम में है। एंड चलिए थोड़ी क्लिप्स यहाँ की भी लगाते हैं ताकि यू कैन ऑल्सो इन्जॉय द विंटर टाइम ऑफ सानन। शुड आई जस्ट गो सौरभ एंड यू शुड से पलट पलट? यस, अगर वो मुझसे प्यार करती है तो पलट के जरूर देखेगी। अपन पहले ही पलट गए। हम बहुत सारा प्यार करते हैं। सो या अभी आप इंजॉय करिए ये ब्यूटीफुल सा रिवर और उसकी आवाज और ये माउंटेन। Let's end this video here. आपको हमने दिखाया स्विट्जरलैंड बिल्कुल टॉप से, और वो भी हॉट एयर बलून राइड से। ये जो होता है इट हैपन्स ओनली फॉर 2 weeks इन द मंथ ऑफ जनवरी, और अगर आप बुक करना चाहें या इस टाइम पे आना चाहें तो डेफिनेटली यहाँ मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सो यू कैन बुक दैट। और अगर आपको फ्लाइट में नहीं भी जाना है, मतलब आपको हॉट एयर बलून नहीं भी करना है, देन ऑल्सो इट्स अ ट्रीट टू आइस, क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे एंड मेजॉरिटी ऑफ देम वर नॉट डूइंग हॉट एयर बलून राइड, दे जस्ट केम हियर टू सी द बलून्स। एंड सिर्फ एक ही नॉर्मल शेप के बलून नहीं है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के कमर्शियल और डिफरेंट शेप्स एंड फनी शेप्स के बलून्स भी हैं। सो डेफिनेटली आइएगा अगर आप स्विट्जरलैंड आते हैं इन जनवरी, लास्ट 2 weeks में होता है ये, सारी आपको डिटेल उनकी साइट पर मिल जाएगी। 2025 में होगा अब नेक्स्ट टाइम, तो ज़रूर आइएगा। एंड इस वीडियो को इसे एंड करते हैं फ्रॉम द ब्यूटीफुल सानन ब्रिज, एंड आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जरूर फॉलो करिएगा, दोनों का हैंडल है देसी कपल और द गो। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, जो कि जल्द आने वाला है, एंड वो आने वाला है हमारे स्विट्जरलैंड के फेवरेट विलेज, द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज, हम वहाँ इस बार रुकने वाले हैं, तो जरूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। नाम बताऊँ क्या? लॉटर ब्रूडन। लेट्स गो।